नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को जनपद के सबसे दूरस्थ एवं सीमांत गांव घेस का भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों की जनसमस्याएं सुनी। जिला मुख्यालय से करीबन 145 किलोमीटर दूर त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बसे देवाल ब्लॉक के सीमांत गांव घेस पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं मांगलिक गीतों के साथ जिलाधिकारी का अभिनंदन किया। गांव की चौपाल में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा, हर्बल गांव खेस में जड़ी बूटी उत्पादन को एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। कहा कि क्षेत्र पर्यटन और हिमालयी ट्रैकिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। विधानसभा श्रीनगर के थलीसैण में सुबह सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। थलीसैण पौड़ी सड़क पर यात्रियों से भरी जीएमओ की बस गुजर रही थी, उसी समय एक पुस्ता टूट गया। ड्राइवर ने बड़ी ही समझदारी से समय रहते बस को वहीं पर रोककर यात्रियों को उतार दिया, जिसमें 25 यात्री सवार थे। वहीं उसके बाद बस से सकुशल बाहर निकालकर बस को आगे बढ़ाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी टिहरी विजेंद्र दत्त डोभाल ने बैठक ली। मुनिकीरेती थाने में शुक्रवार को बैठक में उन्होंने कांवड़ यात्रा में तैनात पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संदिग्धों की धरपकड़ के साथ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए भी कहा। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उधर देहरादून जिले के विकासनगर में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिका परिषद में आपदा प्रबंधन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विधायक अधिकारियों को निर्देश दिया और पीआर सुरक्षा व जल भराव को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को निर्देशित किया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बाइक अनियंत्रित होकर शिवपुरी में खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बाइक सवार तीन लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए, वहीं जिन्हें 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ निरीक्षक अविंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान आकाश पुत्र राजू उपाध्याय उम्र 25 वर्ष निवासी सुल्तानपुर अमेठी यूपी के रूप में हुई, जबकि घायलों में सुल्तानपुर के विश्व प्रताप सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 21 वर्ष और अपूर्व सिंह पुत्र संजय सिंह 21 वर्ष शामिल रहे। बताया कि बाइक पर सवार होकर ऋषिकेश से केदारनाथ दर्शन के लिए तीनों जा रहे थे। जिला मुख्यालय पौड़ी में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में रेखीय विभागों से योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँचाने के निर्देश दिए। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात की। कहा कि आज शहर में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं चारों ओर फैली हुई हैं। यातायात, कूड़ा, आवारा गौवंश आदि समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उन्होंने डीएम से शीघ्र इन समस्याओं के निस्तारण की मांग उठाई। प्रदेश भर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ मुखरता से आंदोलन कर रही है। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एचएन बौगुणा मूर्ति स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि महंगाई डायन ने आज आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई, अंकिता हत्याकांड एवं मणिपुर हिंसा के विरोध में जमकर कूदे। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला दहन भी किया। आज स्थानीय गोला बाजार में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक मांग की गई कि लगातार जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कंट्रोल करने का काम किया जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो लिप्त जो लोग हैं, जो भाजपा ही हैं, उनका चिन्हित कर कोर्ट के माध्यम से उनके एक सशक्त कार्रवाई की जाए और राहुल गांधी जो सदस्यता खत्म की है उसको पुनः किया जाए, वापस किया जाए। और अन्य मांगे हैं हमारी, जैसे बेरोजगारी है, ये है, भ्रष्टाचार है, इन सब पे लगाव किया जाए। आदिवासियों पे जो अत्याचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, उस पर कार्रवाई की जाए। ये तमाम मुद्दे यहाँ पे आज हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया है।
और आशा है कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ जागेगी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और इन मुद्दों पे कुछ काम करेगी। गढ़वाल वन प्रभाग के पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंण में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर तहसील थलीसैंण के तहसीलदार आनंद पाल द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर पौड़ी गढ़वाल के PLV अमित देवी द्वारा पौधारोपण किया गया। थलीसैंण अनुभाग के वन दरोगा अरविंद रावत ने बताया कि हर साल 1 से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण कर वन महोत्सव मनाया जाता है। गढ़वाल वन प्रभाग पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंण की तरफ से जो आज का कार्यक्रम है वन महोत्सव हमारा जो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारी धरती को हरा भरा करना है और विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे इस कार्यक्रम के तहत लगाए जाते हैं और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज हमारे पूरे वन प्रभाग में समस्त उत्तराखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हमारे आज के जो कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो थे तहसीलदार साहब थलीसैंण, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत यहां पर वृक्षारोपण कार्य किया। और हमारे जो एक विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो हमारी श्रीमती अमिता देवी जी जो यहां पर उपस्थित हुई और वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं सभी लोगों को वन महोत्सव की हार्दिक। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।